धारा श्वेता को किसी से बात करते हुए सुन लेती है कि डिवोर्स का पेपर बनाने से क्रिश को श्वेता से कोई नहीं छीन सकता और वो अब क्रिश और बाकी को बर्बाद करके ही छोड़ेगी और बोलती है कि उसे सिर्फ इसके लिए 48 घंटे का मोहलत चाहिए। अब किससे बात हुई है वो तो नहीं पता धारा को, पर अब वो श्वेता को एक चांटा लगाने से पीछे नहीं हटती और पूछती है कि कभी श्वेता इंसान बनकर किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचेगी भी या नहीं, और बोलती है कि क्रिश का वो 48 घंटे के अंदर शादी करवा देगी प्रेरणा से, और श्वेता को ये चैलेंज मंजूर होती है क्योंकि वो भी खटी खोरी सुनाए बगैर नहीं रहती धारा को कि जिसकी फिक्र किसी को भी नहीं है पूरे पांड्या हाउस में, उन सब का फिक्र करते बैठती है हमेशा धारा। और धारा जब आगे सुनती है श्वेता से कि उसकी तो जीवन की कीमत 2% की भी नहीं है पांड्या निवास में, और वो हॉस्पिटल के बेड में कैसे पड़े रही लेकिन कोई नहीं आया, तो एक बार के लिए तो धारा को भी झटका लगता है और वो इस बार हाथ मिलाती है श्वेता से पांड्या सदस्यों को सबक सिखाने की। पर अचानक श्वेता जब देखती है कि धारा जो आज तक परिवार के सामने ढाल बनकर खड़ी रही वो कैसे उसके साथ हाथ मिला ली है, तो गले मिलने के बहाने से धारा को दे देती है धक्का और फाइनली धारा को ही बोलती है कि वो उसकी बातों में नहीं आने वाली, और बोलती है कि अगर वो बचा सकती है क्रिश की शादी प्रेरणा से तो धारा बचा के दिखा दे, और धारा बस देखते रह जाती है श्वेता को। अब आखिर जो चोट परिवार वालों ने धारा को दिया है उसे भुलाकर क्या धारा साथ देगी क्रिश का, या फिर श्वेता की गई बातों का असर होने वाला है इस बार धारा के जीवन में, क्योंकि क्रिश और प्रेरणा की शादी तो तय है अब जब श्वेता से डिवोर्स मिल ही चुकी है, पर श्वेता किसके साथ मिलकर अब पांड्या निवास में एक नया भूचाल लाएगी देखना लाजमी है। तो देखते रहिए पांड्या स्टोर्स की अपडेट्स यहीं पर।